हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित सुमित ब्लॉग्स। दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दोस्तों इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में, जो कि दोस्तों दिल्ली एनसीआर में काफ़ी एक फेमस प्लेस है और यह दिनों दिन दोस्तों लोगों के लिए काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है यह स्ट्रीट। तो जानेंगे दोस्तों इस ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में क्या है, और मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर कई सारे आपको फॉरेन स्ट्रीट देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंदन स्ट्रीट, एम्स्टरडम स्ट्रीट, पेरिस स्ट्रीट। तो चलते हैं दोस्तों, पूरा आपको इस ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट का टूर करवाते हैं और आपको दिखाते हैं, एक एक स्ट्रीट में लेकर चलेंगे उसके बाद। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों लंदन स्ट्रीट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी हम लोग सबसे पहले आए हैं लंदन स्ट्रीट आपको दिखाने के लिए। बिल्कुल यह लंदन स्ट्रीट की तरह आप आएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप लंदन में आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दिवाली के मौके पर यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह किया गया है, जिसके कारण इसका खूबसूरती एकदम दुगुना हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी लाइटें भी जल गई है, तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये स्ट्रीट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेलीफोन बूथ है, और यह बिल्कुल लंदन में जिस तरह होता है उस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। इस स्ट्रीट को आप आएंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा। और अभी हम आपको और आगे लेकर चलेंगे यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है इस स्ट्रीट में। आप आकर यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। आप आकर यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी कुछ। ये जो वर्ल्ड स्ट्रीट है दोस्तों, ये सेक्टर 9 फरीदाबाद में है, और यहाँ पर आप अगर आना चाहते हैं तो आप मेट्रो से भी आ सकते हैं और अपने गाड़ी से भी आ सकते हैं। और मेट्रो से अगर आप आते हैं तो आपको नियरेस्ट मेट्रो बाटा चौक पड़ेगा, जो कि वॉयलेट लाइन में है। वहाँ से आप ऑटो वगैरह लेके आ सकते हैं। और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह की भी सुविधा है, तो आप इजीली आ सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। और आप दिल्ली में हैं तो आप दिवाली में इस मौके पर ज़रूर आएँ, इस अवसर पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्यारा प्लेस है और काफ़ी इन्जॉय आप कर पाएंगे यहाँ पर। लंदन स्ट्रीट से जैसे दोस्तों आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक और नया स्ट्रीट देखने को मिलेगा। और अभी हम आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर गेमिंग वगैरह करने के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं साइड पे। और इससे आगे और अभी देखेंगे, इसके आगे चलेंगे अभी हम लोग। और इसके साथ साथ दिखाएंगे कि अगर आप यहाँ पर फैमिली, बच्चों, अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो काफ़ी कुछ आप यहाँ पर इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रीट देखो कितना प्यारा लग रहा है, यहाँ पर लाइटें भी जल रही है। अभी शाम के अभी 5:30 हो रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा माहौल है। इस तरह से यह दोस्तों जो सेक्टर 9 का ये ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है, काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है दिन ब दिन। और दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर वीकेंड में ही नहीं, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे लोग आते हैं, स्पेशली सुबह शाम। और यहाँ पर आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप देख सकते हैं बिल्डिंगें, लाइटें यहाँ पर, और बिल्कुल फॉरेन वाली फीलिंग यहाँ पर है। इस साइड आप देख सकते हैं काफ़ी सजाया गया है। और अभी हम सबसे पहले आपको इधर लेके चलेंगे सीधे में, और वहाँ पर दिखाएंगे यहाँ पर गेम्स वगैरह, बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग, अभी दिवाली का मौसम है तो लाइटें भी काफ़ी यहाँ पर लगाई गई और काफ़ी तरह से सजाया गया है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शाम के टाइम कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। बिल्डिंगें बिल्कुल यहाँ पर ना जैसे फॉरेन में बनी होती है ना, वैसे ही बनाया गया, आपको लगेगा कि आप फॉरेन में आ गए। और इसके आगे और लेके चलेंगे, और अभी हम आपको इसके नेक्स्ट स्ट्रीट में लेकर चलेंगे और वहाँ देखते हैं कि वहाँ हमें कैसा एक्सपीरियंस फील होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉपिंग वगैरह, खाने पीने की चीज़ें से लेकर कपड़े वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पर है, शॉपिंग वगैरह, खाने पीने, रेस्टोरेंट, पब, सारे कुछ है यहाँ पर। आप आकर एंजॉय कर सकते हैं इस स्ट्रीट में। और आगे आते हैं यहाँ पर सामने में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी गेमिंग जोन बनाया गया है, बच्चे यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आप दोस्तों, फैमिली, किसी के साथ आओ ना तो आप यहाँ पर फुल इंटरटेनमेंट करेंगे और काफ़ी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इस वर्ल्ड स्ट्रीट में। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे में वहाँ पे कुछ शायद कार्यक्रम वगैरह हो रहा है, अभी मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा वहाँ पर क्या हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह जल गया, तो यहाँ पर शाम के टाइम कितना प्यारा माहौल। और इस साइड भी एक वर्ल्ड स्ट्रीट है दोस्तों यहाँ पर, इस साइड अभी हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाएँगे यहाँ पर क्या है। ये देखिए यहाँ पर है ना, बिल्कुल आपको फॉरेन की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ लगी है दोनों साइड, पास में बिल्डिंग है, बिल्कुल ये पेरिस स्ट्रीट है शायद, हाँ। और देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। और आगे भी आपको और आगे ले, और यहाँ पर इन्वेंट वगैरह आप देख सकते हैं शोरूम, मतलब आप आईफोन वगैरह लेते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं खरीद से, शॉपिंग के लिए भी, रेस्टोरेंट वगैरह भी, और गेमिंग जोन वगैरह काफ़ी कुछ है इस ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में। तो आप आ सकते हैं और हर तरह से इंजॉय कर सकते हैं आप। और इधर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी यहाँ पर
खेलने वगैरह के लिए यहाँ पर लगाया गया है, मनोरंजन के लिए, और बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की है, और बिल्डिंग है यहाँ का, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, लाइटें वगैरह सब बिल्कुल एकदम फॉरेन की तरह आपको एक्सपीरियंस होगा यहाँ पर। यहाँ पर सामने में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इवनिंग का टाइम है और लाइटें वगैरह जल रही है, कितना प्यारा माहौल है। यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पर गा रहे हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पर डेली अभी कार्यक्रम हो रहे हैं इस ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में, तो आप आ सकते हैं शाम के टाइम, इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आप दिवाली के मौसम पर कहीं पर जाना चाहते हैं कि दिल्ली में कहीं जाऊँ, तो आप इस ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में एक बार आके देखें। आपको सच में आपको इससे ज़्यादा बेस्ट प्लेस और कहीं नहीं मिलेगा आपको दिल्ली NCR में। और इस ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट के अंदर इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर दिवाली के मौसम पर काफ़ी कुछ यहाँ पर सजाया गया है, और यहाँ पर मार्केट भी एक छोटा सा लगाया गया। आपको मार्केट के अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें, भीड़ उतनी नहीं है अभी, और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही है। वैसे यहाँ पर स्पेशली दिवाली के टाइम जो घर में यूज होती है वही चीज़ें लगभग ज़्यादातर हैं, और भी चीज़ें जैसे यहाँ पर चश्मे वगैरह हैं इस साइड, और यहाँ पर लेडीज़ वगैरह के भी लेने के आइटम्स, इधर कपड़े वगैरह भी यहाँ पर हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर इधर खाने पीने की भी चीज़ें मिल रही है, अंदर में मिठाई वगैरह लेना हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और आगे चलते इधर बच्चों के लिए यहाँ पर खिलौने वगैरह भी मिल रहे हैं इस वाले शॉप में। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बैलून वगैरह से सजाया गया काफ़ी कुछ मार्केट में, और कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं इधर, और काफ़ी सारा दोस्तों आप यहाँ पर शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं स्ट्रीट के अंदर, और ये स्पेशल मार्केट में भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और इसके आगे और अभी हम लोग आके चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें इस वर्ल्ड ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेडीज़ वगैरह के यहाँ पर कपड़े वगैरह हैं, और क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं लोअर वगैरह। इस तरह से यहाँ पर वॉचेस वगैरह भी इस मार्केट के अंदर है आप देख सकते हैं, और शॉपिंग वगैरह आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो गाइस हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएगा, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।